गुजरात दंगों का जो मंजर शकीला ने अपनी आंखों के सामने देखा है वो दिल को दहला देता है। उन्होंने देखा है अपनी बूढ़ी माँ और परिवार के 3 महीने के छोटे से बच्चे को आग में झुलसते हुए। उन्होंने देखा है कि कैसे जिन हाथों पर वो राखी बांधा करती थी उन्हीं हाथों ने उनके पूरे परिवार का कत्लेआम कर दिया। शकीला बानू अहमदाबाद की रहने वाली हैं। हाँ, अहमदाबाद की। 28 फरवरी 2002 को आप कहाँ थी? मैं अहमदाबाद में थी। क्या हुआ था उस दिन आपके सामने? 2002 में बहुत बड़ा दंगा हो गया था। सुबह जो 9 बजे से लेके चालू हुआ था, एक दिन पहले तो जो गोधरा कांड में हुआ था उसके दूसरे दिन हमारे वहाँ हुआ अहमदाबाद में। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक भाग भाग के हम थक चुके थे एकदम। कोई ढाबे पे छुप गया था, कोई कहीं छुप गया था। हमारे बच्चे सुबह से भूखे प्यासे थे, हमारा पूरा परिवार था, हमारे लोग, हमारे परिवार में पूरा 8 इंसान थे। भागम भागे में मेरी मम्मी और हम लोग सब बिछड़ गए। हम लोग इस साइड रह गए और मेरी मम्मी, मेरे भाभी, मेरे भाई, जो बच्चे 4 बच्चे थे सब मेरी मम्मी उन लोग को उधर लेके चली गई। बहुत भीड़ थी उस टाइम तो हम बिछड़ गए वहाँ पे। मेरा परिवार अलग हो गया, मेरी बहन का अलग हो गया और मेरी मम्मी लोग हमसे वहाँ बिछड़ गए। तो जैसे मेरी मम्मी लोग आगे बढ़े ना, ऐसे ही उसने टोले को इशारा करा कि बोले इन लोग आ रहे इधर। तो जैसे मैंने जिंदा पेट्रोल डाल के आग लगा दी उन लोगों को। मेरा भतीजा 3 महीने का था, उसको जिंदा आग में हमारे आंखों के सामने फेंका गया। और मेरा भाई था, तलवार से उसकी गर्दन हमारी नजरों के सामने काट दी गई। हम बहुत रोए, चिल्लाए, बहुत हमने तय करे कि हमारे परिवार को जाने दो, हमको माफ कर दो, हमने गुनाह कोई नहीं किया, जिसने गुनाह किया उसको तुम मारो। ऐसा सर काट के हमारे कदमों के आगे पड़ा था मेरे भाई का। दो ही भाई थे हमारे। 3 महीने का जो लड़का था वो बोले तेरे बच्चे को भी हम देख तेरा क्या हाल कर दे। 3 महीने के बच्चे को गोद में से छीन के ऐसी आग लग रही थी, वो आग में उसको डालती है। तो हमारा पूरा परिवार, एक भाई बच गया था, उसको लग गई तलवार मारे उसको सर में, पूरा जल गया हुआ था। फिर उसको वाड़ी वाली बीएस में उसको दाखिल करे, उसका इलाज करा। फिर उसको 3 दिन जी के बड़ा वाला भाई भी मेरा मर गया। फिर मेरा भतीजा बच गया, यानी 2 बच्चे बच गए थे परिवार में। जिसका माँ चला गया, जिसका बाप चला गया, आज मेरे भाई के बच्चे 2 यतीम हो गए। ना माँ है ना बाप। दुनिया में सब कुछ मिलेगा लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिलेगी। आज हमको कुछ त्योहार होता है, कोई कुछ अच्छा मौका आता तो हमको परिवार की याद आती है। आज हम पे, हमारे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है, ना भाई है, ना माँ है, ना बाप, कोई नहीं है। इस तरीके से जला दिए थे कि हमारे परिवार को देखो ना, जैसे लाश एकदम जला गए, जैसे कोलसे की तरह लाशों को कर दिए थे। इतनी लाशों का ढेर हो गया था। और उधर से कुआ है हमारी तरफ, वो कुएं से लाश भरा गई थी, काटते गए ना कुओं में डालते गए। जिस टाइम रात को फिर सालम कैंप की गाड़ी है ना, तो ऐसी लाशें पड़ी, हम लोग लाशों के ऊपर जब पैर रख रख के हम चले गए। इतनी लाशें, इतनी बच्चे कटे हुए, इतने लोग कटे हुए, इतने जले हुए। उस टाइम तो हमको तो ये भी नहीं था कि हमारी लाशों को हम लेके जाए। हमारी लाशें तो हम पहचान भी नहीं पा रहे इस तरह से हमारी लाशें हो गई थी। इतना हमारे साथ हुआ तो हम कैसे भूले। तो किसी के घर का एक इंसान मरता तो उसकी याद नहीं जाती जल्दी से। तो पूरा हमारा परिवार खत्म हो गया। हमारे परिवार में तो कोई बचा ही नहीं है 2 बच्चों के सिवा। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि नरोड़ा पार्टी वाले तो गोधरा में गए नहीं थे। जिसने भी गुनाह किया उसको सजा दो ना, हमको क्यों सजा मिली। वो तो बेचारे नरोड़ा पार्टी में ऐसे थे, रोज लाके रोज खाने वाले इंसान भी। और कभी जिंदगी में ऐसी धमाल उन लोगों ने देखी नहीं थी। आज भी डर लगता है। डर तो लगता ना, ऐसा कुछ हो जाता है। अभी हम जिस जो जो आरोपी का हम लोगों ने नाम लिखाए हैं वहाँ दिन भर हमारा उनका सामना होता है। हमको तो यहाँ तक बोलते हैं, हमको भी धमकी भी आती है कि बोले तुमने बहुत बताया ना हम लोगों को, बोले तुम देखो तुम्हारा हाल हम क्या करते हैं। पहले तो बोले हमने खुले आम मारे, अभी तो तुमको जहाँ सो जाओगे तुमको वहीं खत्म कर देंगे। 10 साल हो गए आज तक हमको इंसाफ नहीं मिला। हम तो ये चाहते कि हमको इंसाफ मिले और जो हमारे मरे है ना वो उनकी रूहानी खुश हो जाए। कैसे पानी पानी करके दम तोड़, जो 12 साल की जो भतीजी थी मेरे भाई की लड़की जल गई थी, उसके बाद पानी पानी मांग रही थी, उसके मुंह में पेट्रोल डाल के डालते थे।
इस तरीके से हमारे नजरों के सामने उन लोगों को मारा, काटा, जलाया। तो आपने कहा कि आपको जिन लोगों को आप अच्छा समझती थी, जिनसे जान पहचान थी, उन्होंने भी धोखा दिया। हाँ। अब तो आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाओ? किसी पे विश्वास नहीं है अब हमको। हमारे साथ रहते हुए उन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी है, तो किस पे भरोसा करे? के पुलिस वाले पे करे, के गुजरात सरकार पे करे, के जो रहने वाले हमारे बाजू में थे के उस पे विश्वास करे? 10 साल हो गए, ये तो खाली सिर्फ बोलने का, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता। हमारे को तो ऐसा लगता है अभी का माहौल है, ये हमारे साथ अभी हाल में हुआ है। 10 साल हो गए, लेकिन हम एक एक पल हम नहीं भूले। और कभी भी हम पूछेंगे, तुम 10 साल के हमको 20 साल बाद भी पूछेंगे, तो हमारा जवाब यही रहेगा, ना हम कुछ भूले ना भूलेंगे। मोहल्ले वालों को, औरत बच्चों को मालूम पड़ा कि मिलिट्री वाले आ गए, मिलिट्री वाले आ गए, तो औरत और जो बच्चे थे ना, वो ऐसे खुशी होकर मारे ताली बजाने लगे कि हमारा कुछ नहीं, बचाने आए। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारी हिफाजत हो जाएगी।